समाज सेवी नीरज राय ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस महामारी के बीच चुनाव कराना जनता को खतरे में डालने के समान है। पहले इस महामारी से निपटा जाए, उसके बाद चुनाव को लेकर सरकार सोचे, क्योंकि जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार चुनाव किसके भरोसे कराएगी। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस महामारी में सबसे पहले जनता की सुरक्षा जरूरी है, न कि चुनाव। देखिए, कोरोना के बीच में जो अभी चुनाव का काम शुरू किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है बिहार प्रदेश में, इस खतरे के बीच चुनाव कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरह से सरकार घबराई हुई है कि इतनी जल्दी हड़बड़ी में चुनाव करवाएं, तो जिस तरह से अभी कोरोना का खतरा बढ़ा है, पहले तो कोरोना के खतरे को संभाला जाए, पहले तो जनता को सुरक्षित किया जाए, उसके बाद चुनाव के बारे में बातचीत की जाए। तो जनता सुरक्षित ही नहीं है तो कहां से वो वोटिंग करने के लिए जाएंगी। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पहले तो ये आग्रह करूंगा कि पहले तो वो जनता को सुरक्षित करें, उसके बाद इलेक्शन के बारे में कोई प्लानिंग बनाएं। जब उनका घर में इतना ज्यादा कोरोना हो चुका है, तो सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब घर में इतना ज्यादा हो चुका है, फिर भी वो चुनाव के बारे में किस तरह से सोच पा रहे हैं। तो मेरी सभी से यही निवेदन है कि सबसे पहले वो सुरक्षित करें जनता को, उसके बाद वोटिंग के बारे में प्लान करेंगे।